नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। 26 जनवरी की परेड को ऐतिहासिक बनाने के लिए किसानों ने अलग अलग झांकियां तैयार कर रखी हैं। उन्हीं में से एक झांकी है ये मोटरसाइकिल की झांकी। ये मोटरसाइकिल आपको दिखा दूं, सोनू एक बार आगे आके दिखा सके तो, ये एक झांकी है, इसके अंदर बाइक है और इसका पूरा एक बार जानने के लिए चलते हैं एक बार इसके ड्राइवर के पास। नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुभ नाम क्या जी आपका? दलजीत सिंह। दलजीत सिंह कहाँ से हो? पगवाड़ा से। पगवाड़ा से, पंजाब। पंजाब पगवाड़ा। जी जी जी, हाँ जी। कैसे तैयार किया इसको? ये 26 तारीख की रैली है, किसानों की रैली है, उसी के लिए खास तैयार किया है। क्या कुछ लगा रखा है, मतलब क्या मैसेज देने की कोशिश है? इसी में सब कुछ है भैया, जो जो पर्सनैलिटी हमें चाहिए थी वो है। जैसे कि एक बार दिखा सके पूरा। इस बार ये लाइट का है, इसमें साउंड लगाया हुआ है हमने, और मोबाइल चार्जर हमारा बीच है। मोबाइल चार्जर भी अंदर है। मोबाइल चार्जर भी अंदर है, साउंड भी है, लाइट भी है। जी जी। क्या संदेश क्या देने की कोशिश की जा रही है? संदेश देना चाह रहे हैं भाई साहब, ये देखो 26 तारीख को दिल्ली फतेह दिवस। दिल्ली फतेह दिवस। दिल्ली फतेह दिवस। जी जी। 26 जनवरी 2021। ठीक है ठीक है। एक बार चारों ओर चल के दिखा दें, दिखा सकें एक बार। जी 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 जी। तो उस साइड से चलते हैं एक बार। जी जी। पहले ये देखो, ये क्या है, क्या मतलब है इसका? ये हमारा पीबी 36 जद बोल बोल पी छत्ती वाले। अच्छा, परा हो जा जट आउंदे है। परा हो जा जट आउंदे है। जट आउंदे। हमारी पंजाबी थोड़ी कमजोर है जी। चलो 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 आगे चलते हैं। एक बार सोनू दिखा सके पूरी की पूरी इस झांकी का दृश्य। ये भगत सिंह की तस्वीर है। ये भगत सिंह की तस्वीर है। हाँ जी। 26 तारीख की परेड में ये खास है। ये खास है, इसी ने देश याद कराया था हमारा। जी। इसी को लेके पहले चलेंगे हम। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। साथ में मोदी की तस्वीर लगा रखी है क्या, और एक लेडीज के उसमें दिखा रखा आपने। सोनू कहूं कहूं एक बार दिखा सके। ये जो सरकार है वो एक मुर्दों की सरकार है, ना तो हम इसे जिनानी बोल सकते हैं, ना हिजड़े बोल सकते हैं। ये मुर्दों की सरकार है। इनके जो दोस्त हैं वो सूट पाकर स्टेज से भागे थे, अब ये सूट पाकर कुर्सी से भागेगा। से भागेंगे। हाँ। जी जी जी। इसलिए इसकी शक्ल ऐसे बनाई है हमने। ऐसे ये नीचे मॉडल है, कोई एक लड़की है, उसके ऊपर मोदी की तस्वीर आपने लगा रखी है। हाँ जी जी जी। एक बार पीछे की ओर चलते हैं, खोल के अगर दिखा सके इसमें। ये बाइक है जी। ये बाइक आप ही की है? ये बाइक हमारी है। और बाइक के आगे भी कुछ लगा रखा आपने, इसमें किसान एकता लिखा है। अच्छा अच्छा। मजदूरों किसान एकता। बाइक भी ये बिल्कुल पुराना मॉडल है, तकरीबन पुराना मॉडल है ये। इसको आपने न्यू किया है, इस झांकी से मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई किया है। जी जी। कितना खर्चा आ गया होगा तकरीबन इसमें? 12,500 रुपया खर्चा आया है जी। 12,500 में ये झांकी। क्या लगता है आंदोलन को देखते हुए, सरकार मानेगी या नहीं, या कैसे मानेगी? क्यों नहीं मानेगी, जब बोल दिया साढ़े हक यहाँ रख। अच्छा, साढ़े हक इतने रख, ये इतने रखेगी, ये यहाँ लेके ही जाएंगे। ये नहीं है हम छोड़ के जाएंगे, अपना हक लेके जाएंगे। जो काले कानून लेके आए हैं उनको वापस करा के ही छोड़ेंगे, आज नहीं तो कल करके ही छोड़ेगा। ये तस्वीर हमारी जानकारी जोड़ी कम है जी, आप बता। हमारे संत जरनैल सिंह पिंडरांवाले की है। मोदी ने ट्वीट पर किया था कि मेरा रिकॉर्ड है, मैं 7 साल में कभी झुका नहीं हूँ। इसको बोला है हमने कि हमारा इतिहास पढ़कर देखना, हमारा इतिहास पढ़कर देखना, 550 साल का रिकॉर्ड है इनका, 7 साल का रिकॉर्ड है और हमारा 550 साल का रिकॉर्ड है, कभी सिंह भी झुके नहीं है। तो सरकार के लिए बहुत सख्त संदेश है। उस साइड की ओर देखते हैं एक बार, विजुअल आप दिखा सकें। ये जो किसान है, जो अपने हक की बात करता है वो देशद्रोही है। बीजेपी बोलती है। जो आर्मी में अपने भाई बैठे हैं ना, वो अपनों की अपने हक की बात करते हैं, वो भी देशद्रोही बोलती हैं। बीजेपी क्या बोलती है? जो देश और देश की संपत्ति बेचे वो देशभक्त है। अच्छा, नीचे लिखा वारे बीजेपी सरकारे अपने देश नालों तेनु यार प्यारे। अच्छा, अडानी और अवानी दोनों इसके यार हैं। तो ये बीजेपी की सेइंग है। बीजेपी किसको देशभक्त बोलती है और उसके लिए देशद्रोही कौन है जी? देशद्रोही तो हम बने हैं ना। ये तो अपने आप को देशभक्त बोल रही है, जो सब कुछ बेच दिया है इसने। रेलवे दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, लाल किला दे दिया, बाकी क्या बचा? एक जिम्मेदार बचा था वो भी दे दिया। तो जनता कहाँ से खाएगी? जिम्मेदार होगा तो जनता को अन्न मिलेगा। आप कल 26 जनवरी
किसान दिखा देगा कि उससे बड़ा देशभक्त, वैसे तो तुलना नहीं करनी चाहिए किसी की देशभक्ति की, किसी से बड़ी नहीं होती, सबकी देशभक्ति इक्वल होती है, तो कल किसान अपनी देशभक्ति दिखा देगा। जी बिल्कुल दिखाएगा, पूरी मेहनत के साथ दिखाएगा, इतने दिनों से गर्मी सर्दी में बैठा हुआ है, वो भी अपना जज्बा दिखाएगा। किसान देशभक्त था, देशभक्त है और देशभक्त ही रहेगा। कोई खास किसान दिल्ली के अंदर झंडा फहराएगा, मोदी की कोई ताकत नहीं है, दुनिया की ताकत है मोदी तो है क्या, किसान के सामने किसी की ताकत नहीं है। किसान एक वो चीज है, मोदी कुत्ता को बता देना किसान 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान पर कब्जा करने की हिम्मत रखता है, ये तो एक दिल्ली के अंदर बिल के अंदर बैठे है। किसान लाल झंडे पर झंडा फहराएगा, राजपथ पर परेड करेगा, संसद पर ताला लगाएगा, आंख खोल लेना कल मोदी टाइम में निकल जाएगा जवान। एक अंतिम सवाल आपसे, इस झांकी के द्वारा क्या मैसेज देने की कोशिश करता है किसान? मैसेज यही देना चाहता है कि मोदी को समझाना चाहते हैं कि अभी भी सुधर जा समय है, अगर समय रहते हुए सुधरेगा तो फिर बिगड़ जाएगी बात। ये कुछ हमारा संघर्ष है, बिल्कुल शांतमय है, हम इसे शांतमय करना चाहते हैं और ये शांतमय काले कानून अपने वापस ले ले, यही संदेश है हमारा सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किसान की झांकी आपने देखी, किसान कल 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में इस झांकी को लेकर निकलेंगे, ये भी एक शामिल होगी और भी तरह तरह की झांकी आपको बैग न्यूज़ द्वारा दिखाई जाएंगी। कैमरा सहयोगी सोनू के साथ मैं अजय, बैग न्यूज़ सिंघू बॉर्डर।